हेलो सर, रुको, यहाँ पर आपको ना पूरा एक कंप्यूटर लेकर आया हूँ, यहाँ पर आपको 50 रुपये आपके पेट्रोल में रिसीव होने वाला है। जो जो स्टेप मैं बताता हूँ ना, आपको सबसे सब वही स्टेप फॉलो करना है जिससे आपको 50 रुपये आपके पेट्रोल में ना इजीली रिसीव हो जाए। तो आपको रुको, आपको पैसा नहीं रिसीव होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना, आपका पेटीएम नंबर के साथ कमेंट कर देना, मैं आपको पैसा दे दूँगा। तो आपको रुको, आपका यहाँ पर पेटीएम में डाल के सर सबमिट बटन पर क्लिक करना, तो आपको डायरेक्ट ना वेबसाइट पर आएगा। यहाँ पर प्रोफाइल का ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करो तो आपका ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे साइनअप का ऑप्शन देगा, वहाँ पर आपको साइनअप कर लेना गूगल आईडी से। हम लोग को मैंने यहाँ पर साइनअप कर लेता गूगल आईडी से। साइन अप करने के बाद देखो इसका ना नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको ना आपका नाम डालने के लिए बोलेगा। तो वहाँ पर आपका ना नाम डाल देना होगा। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर आपका नाम डाल देता हूँ, मतलब कि मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, जिससे आपको ना कंट्री का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको ना यहाँ पर ना मतलब कि ना 3 लाइन का कुछ भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। जब मैं 3 लाइन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, कंट्री का बटन दिख रहा है, वहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर देखो इसका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर आपका है ना मतलब कि ना पेटीएम नंबर ना वापस ना कंफर्म करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पर आपका पेटीएम नंबर डाल के कंट्री बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपका बर्थडे डालने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पर बर्थडे डाल देना है, फिर इसे ना कंट्री को बटन दिखेगा, वहाँ पर वापस क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जेंडर पूछेगा, जेंडर सेलेक्ट करके फिर आपको प्रोफाइल अपने मतलब कि अपलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, वहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं कोई भी फोटो उठा के अपलोड कर देता हूँ, फिर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर देखो यहाँ पर मैं फोटो सक्सेसफुली अपलोड किया, यहाँ पर उनको बोल रहा है कि जीमेल ओपन करेंगे। तो आप जिस जीमेल आईडी से आपने ना साइन अप किया था ना, वो जीमेल आईडी आपको ओपन कर लेना है। तो आपको उस ईमेल आईडी पर मेल आया होगा। तो मैंने को यहाँ पर देखो मैं ओपन किया ईमेल, तो यहाँ पर कोई ऊपर मेरा मेल आया, तो यहाँ पर क्लिक करके नीचे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पता रहे ना, वहाँ पर क्लिक किया ना, तो हम लोग को मेरा वेरीफाई हो चुका है ईमेल एड्रेस। बस आपको इतना प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसी दिन आपको पेटीएम के साथ एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको पूरा 50 पर रिसीव हो चुका है। मैंने सैमसंग यही स्टेप फॉलो किया था ना, तो हम लोग को मेरे को 50 पर रिसीव हो चुका था। तो आप भी यही स्टेप फॉलो करो।